वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए होता है तो उसकी सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती हैं, क्योंकि जब भी आपने कोई भी पंप मंगवाना हो कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपने पंप सप्लायर्स को देनी होती है ताकि आपको बेस्ट पंप मिल सके एज पर यूटिलाइजेशन। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्लूइड, कौन सा हमने यूज़ करना है। किसी भी पंप को मंगवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने उस पंप को किस फ्लूइड के लिए यूज़ करना है। लाइक अगर आपने वाटर के लिए यूज़ करना है या मिल्क के लिए यूज़ करना है, जेलेटिन लाइम के लिए यूज़ करना है या लाइम स्लरी के लिए यूज़ करना है, किसी भी चीज़ के लिए पंप आप उस फ्लूइड के मुताबिक मंगवाना चाहिए। वेंडर को बताना चाहिए कि हमने ये वाला फ्लूइड यूज़ करना है। नंबर टू, आपको डेंसिटी का भी पता होना चाहिए और वो आप सप्लायर को दें कि इस फ्लूइड को हमने यूज़ करना है, इसकी इतनी डेंसिटी है, ताकि आपका पंप जो है वो ड्यूरेबल हो और बेस्ट पंप हो। नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी होती है वो फ्लो रेट होता है। लेट्स सपोज कि आपको एक पंप चाहिए 40 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो उसी हिसाब से आप पंप मंगवाएंगे, क्योंकि आपके फ्लो रेट के हिसाब से ही पंप के इंपेलर का डाया होता है, पंप का मॉडल होता है, पंप की कंस्ट्रक्शन होती है। थर्ड जो मेन चीज़ है वो आपको पंप हेड यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, आपने जो फ्लूइड है उसको कितनी हाइट पे लेके जाना है। लाइक आपने अगर 20 मीटर हाइट आपको हेड चाहिए तो पंप कुछ और होगा, अगर आपको 40 मीटर चाहिए तो जाहिर बात है पंप उसी हिसाब से चेंज होगा। तो कीप इन माइंड पंप हेड का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ है हमारे पास वो है फ्लूइड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस इन फ्लो, जिसे हम आसान लफ्जों में गाढ़ापन कहते हैं, कि जो आपका फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है, उसके जो फ्लो में रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सप्लायर को बतानी चाहिए कि जो हमने फ्लूइड यूज़ करना है उसकी विस्कोसिटी इस रेंज में है या इतनी है, ताकि पंप की कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से की जा सके। फिफ्थ वन जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर और भी है वो है कि कितने टेम्परेचर में आपने पंप को यूज़ करना है, यानी कि जो आपने फ्लूइड को सर्कुलेट करवाना है या ट्रांसफर करना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। लेट्स सपोज आपके पास अगर 80 डिग्री पे कोई आपने फ्लूइड ट्रांसफर करना है तो आप सप्लायर को बताएंगे कि हमने जो फ्लूइड है उसको 80 डिग्री पे करना है, ताकि आपका जो पंप है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल उसमें जो यूज हो रहा है, MOC मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो उसी हिसाब से हो। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको 80 डिग्री पे आपने फ्लूइड को चलाना है लेकिन जो पंप का मटेरियल है उसकी रेंज 60 डिग्री हो, उससे ऊपर उसमें एब्रेशन आ जाए या वो मेल्ट हो जाए, इसलिए आपको टेम्परेचर का भी एग्जैक्ट सप्लायर को बताना चाहिए। ये चंद एक पांच बुनियादी और बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हर सूरत आपको किसी भी पंप की सिलेक्शन से पहले कन्फर्म करने चाहिए, ताकि आप जब पंप खरीद लें तो वो पंप आपके बेस्ट यूटिलाइजेशन में आ सके। कौन कौन सी? अभी जो हमने डिस्कस किए, फ्लूइड नेम और डेंसिटी, फ्लो रेट, पंप हेड, फ्लूइड विस्कोसिटी एंड फ्लूइड टेम्परेचर। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।